नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। थोक बाजार की कीमतों पर आधारित महंगाई के नए आंकड़े सामने आ गए हैं। अप्रैल के मुकाबले मई के महीने में ये दोगुने से ज्यादा बढ़ गई है और ओवरऑल 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। आने वाले समय में संभव है कि थोक महंगाई का असर देश के आम लोगों पर और रिटेल बाजार में दिखाई दे। इसको ट्वीट कर उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की मेहनत रंग लाई है। बीजेपी संघ के निशाने पर है। संघ से जुड़े लोगों के बाद एक बयान बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। पहले मोहन भागवत ने अहंकार को लेकर नसीहत दी थी, फिर संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी नेताओं के अति आत्मविश्वास को वजह बताया गया और अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने हाल के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अहंकार को जिम्मेदार ठहराया है। जयपुर के पास कनोता में कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को कहा, जो लोग भगवान राम की भक्ति करते थे वो धीरे धीरे अहंकारी हो गए। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित किया गया था, लेकिन अहंकार के कारण भगवान राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी और आरएसएस के बीच चल रही तनातनी को ध्यान भटकाने का जरिया बताया है। भारद्वाज ने कहा कि दोनों ही दल एक हैं। आरएसएस लोकसभा चुनाव में हार के बाद अपनी नाक बचाने के लिए बीजेपी पर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ये लोग बीजेपी को जिताकर संविधान बदलना चाह रहे थे, मगर जब किरकिरी हो गई तो आरएसएस का पूरा एजेंडा देश के सामने आ गया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी उन सभी जगहों पर हार गई है जहां से भगवान श्री राम का जुड़ाव रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी के भीतर अहंकार आ गया था और यह अहंकार की हार है। उन्होंने कहा कि रावण अहंकारी था, इसलिए भगवान राम ने उसका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था। जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम अब आरएसएस को करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए मनमाफिक नहीं रहे। नतीजे सामने आने के बाद से एनडीए में खटपट की खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताया जा रहा है, वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार पर नाराजगी जताई थी। 6 जून को पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हारा हूँ या हराया गया हूँ, सबको मालूम है कि सबको पता है सारी चीजें, चूक हुई या चूक करवाई गई ये सबको मालूम है, हमें खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह फैक्टर बना या बनाया गया ये सबको पता है। वहीं बीजेपी के 2 बार सांसद रहे हरि मांझी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कहा कि सम्राट ने लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर से खूब प्रचार किया, मगर वो अपनी जाति यानी कुशवाहा के वोट भी पार्टी को नहीं दिलवा सके। मांझी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले सम्राट चौधरी को कई बार फोन किए, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। इससे पहले एक पोस्ट में हरि मांझी ने बिहार में बीजेपी का अध्यक्ष बदलने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी अगला अध्यक्ष हो वो कम से कम हम जैसे कार्यकर्ताओं की सुध ले, वो अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए समय दें। ये सब चीजें सिर्फ घोर भाजपाई में ही मिल सकती हैं। पीएम मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला काशी दौरा होगा। प्रधानमंत्री दौरे से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने कहा कि बनारस में बड़े कल कारखाने की जरूरत है, सेवापुरी में उनको बड़े कारखानों की घोषणा करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं उन्हें नौकरी मिले। उन्होंने कहा कि वाराणसी में सभी काम गुजरात के लोग कर रहे हैं, अमूल गंगा में क्रूज से लेकर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर तक सभी काम गुजरातियों को दे रखा है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बनारस को क्या मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला? अजय राय बोले, मैं यही कहूंगा कि आप 18 जून को आ रहे हैं तो बड़े कल कारखाने लेकर बनारस आएं और घोषणा करें बनारस का गुजरातीकरण बंद करें। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने एक ट्वीट कर बताया है कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी की VBA और ओवैसी जी की AIMIM ने 6 सीटें बीजेपी के झोली में डाली। इन सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट इन दोनों पार्टियों को मिले। इनमें से 1 पर कांग्रेस को और 5 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीत को हार में बदलने का काम किया गया। अन्यथा महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 31 नहीं 37 सीट आती और बीजेपी प्लस को 17 नहीं 11 सीटों पर सिमटना पड़ता। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी की संकट मोचक मायावती जी थी, महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर जी और ओवैसी।
महाराष्ट्र में हाई प्रोफाइल बारामती लोकसभा सीट से हारने के बावजूद एनसीपी ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। एनसीपी के इस फैसले से पार्टी नेताओं में काफी नाराजगी की बात कही जा रही है। छगन भुजबल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में शामिल थे। नीट यूजी के पेपर लीक होने के आरोपों की सीबीआई जांच होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट एनटीए और केंद्र का जवाब सुनने के बाद फैसला लेगा। इसलिए अदालत ने शुक्रवार को केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया है। एक याचिका में नीट यूजी में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपियों की सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया है। गुजरात के वडोदरा में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक मुस्लिम महिला को मकान अलॉट करने पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। वडोदरा के हरनी इलाके में मोटनाथ रेजिडेंसी बनाई गई थी। यहां मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 461 मकान बनाए गए थे और पिछले 6 से 7 सालों से लोग यहां रह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक मुस्लिम महिला को हरनी में वडोदरा नगर निगम के मोटनाथ रेजिडेंसी में एक आवास आवंटित किया गया था, जिसको लेकर लोग बवाल कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हालिया प्रदर्शन 10 जून को हुआ था। रेजिडेंसी के निवासियों का कहना है कि अगर मुस्लिम परिवारों को रहने की अनुमति दी गई तो कानून व्यवस्था की दिक्कत पैदा हो सकती है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार ने गुरुवार को राज्य में 16,000 से अधिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया 2024 के आखिर तक पूरी हो जाएगी। टीडीपी ने कहा है ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अब तक के सुर्खों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।